प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पहला सिद्धांत एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड जो कि एडम स्मिथ ने दिया, उसको पढ़ेंगे। ये सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार को एब्सोल्यूट एडवांटेज निरपेक्ष लाभ पर आधारित करता है। एडम स्मिथ कहता है कि कोई देश उस वस्तु के उत्पादन में विशेषीकरण या विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन करेगा जिसमें वह इफिशियंट है, और उस वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा जिसमें वह इनइफिशियंट है। वह देश जिस वस्तु के उत्पादन में इफिशियंट है उस वस्तु का निर्यात करेगा और उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें वह इनइफिशियंट है। इस तरीके से दूसरा देश भी उस वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करेगा जिसमें प्रथम देश इनइफिशियंट है और उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसमें प्रथम देश इनइफिशियंट था लेकिन वो खुद देश इफिशियंट है। इसको हम निम्न छोटी सी सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। यहां पर दो देश है, यूएसए और यूके। यूएसए 1 घंटे में गेहूं की 6 किलो मात्रा को पैदा कर देता है, अर्थात वहां का श्रमिक 1 घंटे काम करके 6 किलो गेहूं का उत्पादन कर देता है, और कपड़े में 1 घंटे में काम करके वो 4 मीटर कपड़ा पैदा कर देता है। इसी प्रकार यूके में, यूनाइटेड किंगडम में का श्रमिक 1 घंटे में काम करके 1 किलो गेहूं पैदा कर पाता है जबकि 5 मीटर कपड़ा पैदा कर पाता है। अब इस सारणी से यह स्पष्ट है कि यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका गेहूं के उत्पादन में अधिक इफिशियंट है, अर्थात वह एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता है, जबकि वह क्लोथ के उत्पादन में इनइफिशियंट है, अर्थात वह एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज रखता है। इस कारण वह गेहूं के उत्पादन में अपने संसाधनों को लगा के गेहूं के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करेगा और क्लोथ का उत्पादन नहीं करेगा। अमेरिका गेहूं का निर्यात करेगा जबकि क्लोथ का आयात करेगा। अब इधर हम देखते हैं कि यूके गेहूं के उत्पादन में इनइफिशियंट है जबकि अर्थात एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज रखता है जबकि क्लोथ के उत्पादन में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का यह मतलब है कि यूनाइटेड किंगडम अमेरिका से उस वस्तु को उसी लागत में या श्रम की मात्रा में अधिक उत्पादन करता है, अतः यूनाइटेड किंगडम क्लोथ के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करेगा और क्लोथ का निर्यात करेगा और गेहूं का आयात करेगा। जब अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम अपने अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज के आइटम में स्पेशलाइजेशन करेंगे तो इससे उन उत्पादन अधिक होगा क्योंकि इससे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन, इफिशियंट यूटिलाइजेशन होगा, और जब ट्रेड के माध्यम से अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज की चीजों का निर्यात करेंगे तो इससे दोनों देशों के वेलफेयर में वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं कि वेलफेयर में कैसे वृद्धि होगी। माना कि अमेरिका 6 किलो गेहूं के बदले 6 मीटर कपड़ा लेता है, ठीक है, अब 6 कपड़ा लेता है। अब हम देखते हैं कि अगर अमेरिका 1 घंटे में 6 किलो गेहूं पैदा कर रहा है लेकिन अगर वह 1 घंटे में क्लोथ का उत्पादन करे तो वह केवल 4 ही मीटर कपड़ा उत्पादन कर पाएगा, इसलिए उसको 6 क्विंटल गेहूं के बदले 6 मीटर कपड़ा मिल रहा है, इसलिए उसको यहां पे 2 मीटर कपड़े का फायदा हो रहा है, अर्थात उसका गेन लाभ 2 मीटर कपड़ा है। अब हम देखते हैं कि
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से किस प्रकार यूके को फायदा होता है। हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम 6 किलो के बदले 6 क्विंटल सॉरी 6 किलो गेहूं प्राप्त कर रहा है। अगर ब्रिटेन 6 क्विंटल गेहूं पैदा करता तो उसको 6 घंटे चाहिए, उसको 6 घंटे चाहिए और 6 घंटे काम करके वह केवल 6 क्विंटल गेहूं पैदा करता है। लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम 6 घंटे को केवल कपड़े के उत्पादन पर लगाए तो वह 30 मीटर कपड़े का उत्पादन कर पाएगा और 30 मीटर कपड़े का उत्पादन करके वह केवल 6 मीटर कपड़ा 6 क्विंटल गेहूं सॉरी 6 किलो गेहूं के बदले में अमेरिका को दे रहा है, बाकी का 24 मीटर कपड़ा उसके पास है। अतः ब्रिटेन को 24 मीटर कपड़े का फायदा होता है। इस प्रकार एडम स्मिथ ने वणिकवादियों की अवधारणा के विपरीत, जो कि यह थी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक देश का फायदा दूसरे देश का नुकसान करेगा ही करेगा, यह बेबुनियाद साबित कर दिया। एडम स्मिथ ने यह दिखाया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दोनों देशों का फायदा होता है और दोनों देश ये बात अलग है कि दोनों देशों को कितना कितना फायदा हो रहा है। दोनों देशों का फायदा होता है, दोनों देशों के फायदे की वजह से दोनों देशों के उपभोक्ताओं के कल्याण में वृद्धि होती है। धन्यवाद, थैंक यू।